और 12 मोती तक हमें ये बनाने हैं, मतलब ये स्टेप जैसे सीढ़ी जैसे आ जाती है, काउंटिंग करेंगे आप ये मोती तो इस तरीके से वो दिख जाता है। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं कुछ बनाऊंगी नहीं, बस ये कि स्वान जो मैंने बनाया है वो उसको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे बनाया है। एक्चुअली एक रिक्वेस्ट आई थी, एक दीदी ने की थी कि जो स्वान आपने बताया है वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो बस इस वजह से मैंने ये वीडियो फिर बना रही हूँ। तो ये देखिए, जो मैंने जो स्वान वीडियो जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है उसमें मैंने वॉइस ओवरिंग नहीं करी है, तो जिससे शायद उन्हें समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये रीज़न है मेरा ये वीडियो बनाने का। जो लोग बना लेते हैं, जो मोती वर्क करना जानते हैं, वो तो शायद ईजिली बना लेंगे, बट जो नहीं बना पाते हैं तो उन्हें शायद दिक्कत हो रही है, तो इसीलिए मैंने ये फिर वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। तो जो हमारा स्वान है इसके उसे हम दो पार्ट में बनाएंगे। एक है जो हम ये पार्ट होता है इसे हम दो पार्ट में बनाते हैं, एक ये आगे वाला और एक ये पीछे वाला, मतलब दो पीसेस बनाते हैं। और सेकेंड होता है सिर्फ इसको हमें जोड़ना होता है बस, और कुछ भी नहीं है। तो जिसकी शुरुआत होती है, स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा यहाँ से, देखिए। तो जो ये है ना, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मोती होता है, यहाँ पे हम चार मोती लेके एक मोती, मतलब चार मोती ले लेते हैं अपने धागे में, फिर पहले में डालकर चार का सेट बना लेते हैं, है ना। देखिए इसमें दिख रहा होगा आपको ये, तो यहाँ से मैंने अगर चार मोती लिए इसी पहले मोती में डाल के, तो चार का सेट अपना तैयार हो जाता है। इसी तरीके से हमें ये सेट 10 बनाने होते हैं। देखिए नीचे वाला जो मोती अगर हम काउंट करेंगे ना, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे 10 का सेट तैयार हो गया। सॉरी, चार चार के सेट हमें 10 बनाने हैं, ठीक है। तो एक जो हमारा सर्कल होता है इसे हम सेट कहते हैं, है ना, तो वो क्या काउंटिंग में थोड़ी इजी हो जाती है। तो इसके ऊपर हमें जब एक लाइन में तो हमारे 10 सेट बन गए, दूसरी लाइन में हमें 12 बनाने हैं। देख रहे हैं ना आप, 10 के ऊपर 10 बना लिए, एक इधर एक्स्ट्रा बना दिया तीन मोती डालकर, तो ये हमारा ये 11वां बन जाएगा। और इसी तरीके से आखिरी मोती में हम तीन मोती डालकर बनाएंगे, तो ये 12वां हो गया। अब बात तीसरी जो लाइन हमारी बनेगी उसमें हमें 13 बनाने हैं, पहले में 10, दूसरे में 12, तीसरी में 13। तो 13 के लिए देखिए हमने यहाँ पे कैसा किया है, आप शायद देख पा रहे हैं इजिली, 12वें के ऊपर 12वां बना दिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने बढ़ाया नहीं है, यहाँ पर हमने एक बढ़ा दिया है, क्योंकि 12 के 12 तो हो गए हैं, यहाँ से देखेंगे तो आप आराम से यहाँ पर एक बढ़ा दिया तो 13 हो गए। अब 13 के ऊपर हमें फिर 12 ही बनाने हैं। एक हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, चौथी लाइन में हमें 12 ही बनाने हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्टार्टिंग से काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पर एक हमारा रह जाता है, ये हमें छोड़ना है, मतलब हम सिर्फ 12वें तक ही बनाएंगे, 13वें पे नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पर हमने मतलब जो सेट बढ़ाया है ना, वहाँ पर हमारी बनेगी गर्दन, और जो पीछे वाला पार्ट है वहाँ पर हम बना देंगे इसके जो बॉडी या पंख होते हैं वो, है ना। तो यहाँ पर जो हमारी चौथी लाइन कंप्लीट हो जाएगी, 1 2 3 और ये 4, चौथी लाइन कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हमें यहाँ से पहली मोती, मतलब यहाँ पे ये छोड़ना है, एक सेट है, दूसरे मोती से हम बनाएंगे चार का सेट, एक यहाँ बनाया फिर दो मोती डालकर चार का सेट, ये अपना कंप्लीट हो जाता है, है ना। ये देखिए, एक ये सेट हो गया, एक ये सेट हो गया, तो ये दो सेट हो गए। अब मतलब इसको ऊपर बढ़ाने के लिए इस पे नहीं बनाया है मैंने, इस पे बनाया है, जो दूसरा वाला है अंदर की तरफ है ना, तीसरा मोती दूसरे से स्टार्ट किया है, तीसरे मोती पे फिर हमें एक ऊपर चार का सेट बनाना है, फिर लेफ्ट साइड में जाकर मतलब अंदर की तरफ ये तीन का सेट बनाया है, तो ये दो सेट हो गए। फिर जो अंदर वाला है उसी पे बनाना है, तो इसी तरीके से बनाते हुए 2 4 6 8 10
और 12 मोती तक हमें ये बनाने हैं। मतलब ये स्टेप जैसे सीढ़ी जैसे आ जाती है, काउंटिंग करेंगे आप ये मोती तो इस तरीके से वो दिख जाता है। यहाँ तक बनाने के बाद देखिए आप देख पा रहे हो ना, ये देखिए यहाँ तक हमारे ये 12 हो गया है ये। अब इसके ऊपर हमें बनाने हैं 4 सेट। ये देखिए ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तो बन चुका है यहाँ तक, है ना। अब इसके ऊपर हम इसका फेस बनाएंगे, तो उसके लिए ये वाला जो देखिए मोती जो दूसरा है ना, देखिए है ना, इस पर 3 मोती डालकर 4 का सेट एक बनाया, फिर 2 मोती डालकर ये 4 का सेट कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ तीसरी में हमने आँख बना दी है, तो ये देखिए 1-2 मोती जो डालेंगे, 3 मोती इसमें सॉरी, है ना, तो एक काला ले लिया है, 2 सफ़ेद ले लिए हैं, और फिर ये 3 मोती डाल के इस तरीके से 4 सेट बन गए, 1, 2, 3 और 4। 4 के ऊपर फिर 4 बना दिए हैं, 4 सेट ये देखिए देख पा रहे होंगे, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। 4 के ऊपर जो बीच हुआ, दोनों तरफ एक एक छोड़ दिया है, जो बीच के 2 मोती हैं उस पर हमें 2 सेट बनाने हैं, एक सेट ये रहा, एक सेट ये रहा, ठीक है। तो इतना हमें ये कंप्लीट करना है। ये हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक। जो इसकी चोंच है वो हम लास्ट में बनाएंगे, और जो इसके पैर हैं ये भी लास्ट में बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें ये 2 पार्ट कंप्लीट करने हैं। तो वो वाली वीडियो जो आप मतलब देख पा रहे हैं वो मैं उसमें शायद दिख जाएगा आपको। तो उसके बाद अब क्या करना है, दोनों पीसेस जो है हमने ले लिए हैं, अब इसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या, दोनों साथ में रख लेंगे और फिर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, यहाँ से या यहाँ से या कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चलो यहाँ से नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो जो ये सीधा है इसको हम लास्ट में, ये वाला जो भाग है हम यहाँ से इसको हम आखिर में भरेंगे, मतलब जोड़ेंगे सॉरी। ये देखिए अगर आप ऐसे देखेंगे ना, तो यहाँ पर दोनों पीस अगर आमने सामने करेंगे तो इसमें डालेंगे हम पहले 1 मोती और फिर दोनों में डालकर इस तरीके से 4 का सेट बनता जाएगा। फिर यहाँ ऊपर करेंगे तो एक एक मोती डालकर हमें इसको जोड़ते जाना है। 1 मोती डाला, फिर इन दोनों में घुमाया, फिर 3 में घुमा लिया, फिर 4th मोती डाला, फिर 3 में घुमा लिया, फिर अपना जो धागा है वो इस तरफ आ जाता है। तो ये देखिए है ना, तो इसी तरीके से, क्योंकि ये थोड़ा क्रॉस में है इसलिए थोड़ा वो स्टेप जैसा दिखता है। एक मोती अंदर जाएगा, एक बाहर की तरफ आएगा, फिर एक मोती अंदर जाएगा, एक बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। आप देख पा रहे हो ना, देखिए ये वाला बाहर मोती जो है बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, फिर ये बाहर की तरफ है, फिर ये अंदर की तरफ है, फिर ये बाहर की तरफ है, है ना। अब यहाँ पर ये थोड़ा सीधा भाग आ रहा है, इसीलिए ये ऊपर की तरफ ये 2 सेट है जो हमारे फ्रंट में प्लेन दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो ये फिर से आपको एक जो बाहर की तरफ मोती होता है वो इस तरीके से दिखता है, और अंदर की तरफ है वो थोड़ा अंदर साइड में दिखता है। तो इसी तरीके से ये पूरा मतलब जोड़ते हुए ये यहाँ से हम पूरा इस तरीके से यहाँ से पूरा ये जोड़ देंगे। देखिए है ना, पूरा मैंने एक एक मोती से ये जोड़ा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसको करने के बाद हम इसमें भरेंगे पॉलीथीन। तो जो पॉलीथीन है वो हम यहाँ पे जब जोड़ते समय हम इसको भरते जाएंगे ताकि आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ तक भरने के बाद जोड़ेंगे तो वो भरा नहीं जाएगा। तो जब इतनी यहाँ से जोड़कर आप यहाँ तक गर्दन हो जाएगी, फिर इसके फेस में आप पॉलीथीन भर दें और फिर ये गर्दन जोड़ेंगे, फिर यहाँ से थोड़ी भर दें पेन की ऐसा इससे, या कैंची ले लें या पेंसिल ले लें, तो या कुरसिया भी ले सकते हैं आप, वो ज़्यादा बेटर पड़ता है। तो यहाँ से इस तरीके से जब आप उसको पार्ट जोड़ते जाएंगे यहाँ तक, फिर इसमें भर दें यहाँ से यहाँ तक, फिर इसमें भर दें, फिर यहाँ पर लाकर आप पूरी भर दें, और फिर लास्ट में ये पार्ट भी हमें उसी तरीके से जोड़ देना है। ये देखिए यहाँ के जो दोनों ये दिख रहे हैं, और ये यहाँ से एक एक मोती से इस तरीके से जुड़ता जाएगा, है ना। और फिर वही 4-4 का सेट बनाकर हमें यहाँ पर देखिए, जो मैंने यहाँ से आगे 3 छोड़े हैं, पीछे 3 मोती छोड़े हुए हैं, देखिए आप देख पा रहे हो, दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने जो 10 मोती डाले थे तो 3 यहाँ पे छोड़ दिए, 1, 2, 3 3 इस तरफ लीफ छोड़ दिए, 3 इस तरफ छोड़ दिए, 1, 2, 3 है ना। अब बीच के जो 4 मोती हैं मैंने इस पर इसके मतलब जो पैर हैं या कुछ भी कह लें,
पंजे वो बनाए, 1 2 3 4, चार चार में वो तीन तीन मोती डाले, चार का सेट तैयार किया, 2 मोती डालकर अगेन फिर सेट कंप्लीट किया, फिर 2 मोती डालकर, फिर 2 मोती डालकर, तो इस तरीके से ऊपर भी वो इसी तरीके से दिखेगा। तो पूरा चारों साइड में बनाना है कि नहीं, बीच में अगर नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर आप देखिए इस तरीके से भी बना सकते हैं, है ना। ये तो ऐसे स्टैंड हो गया, बट ये थोड़ा पंजे जैसा थोड़ा लग रहा है, तो ये भी बन सकता है। इसके लिए भी वही है कि जो मतलब लास्ट में जो मैंने तीन इसमें 2 छोड़े हैं, आगे 3 हैं, तो आप बीच में भी बना सकते हैं, बट ये देख लीजिए कि थोड़ा आराम से खड़े रहना चाहिए इस तरीके से। देखिए तो एक ही बनाया है, देखिए है ना ये, और सिंपल बस 3 3 मोती डालकर चारों मोतियों में, देखिए 3 मोती इसमें डालें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो ये चारों में चार चार का सेट कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से ये भी ठीक है देखने में, ये भी सुंदर लगता है। अब लास्ट में रह गया हमारे इसकी चोंच। चोंच के लिए जो इसका जो हमने चार चार का सेट जो आँख वाली लाइन थी उसके ऊपर वाला मोती है, ऊपर वाले में मैंने लाल मोती यूज़ किए, कोई भी आप कलर से देखिए यूज़ कर सकते हैं स्वान में, जो आपको कलर पसंद हो। 3 मोती डालकर चार चार के 2 सेट बनाए चारों तरफ, क्योंकि जैसा स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही वहाँ भी दिखेगा। देखिए ये ना चारों साइड से चार का जो सेट होगा, तो ऊपर वाला जो सेट है हमारा चारों में बनाएंगे, 2 सेट बनाए। देखिए यहाँ भी 2 दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये 1 2 1 2, और नीचे भी 1 और 2। थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन वो सुई आराम से, ज़्यादा बड़ी सुई ना लें, छोटी सुई से बनाएंगे तो ईजिली बन जाएगा। और ऊपर एक को मतलब ये थोड़ा नोक दिखाने के लिए एक सिंपल मोती क्रॉस में लगा दिया है, ऊपर से भी लग जाएगा, और सुई को घुमाते हुए साइड में कहीं भी कट करते हैं। तो इस तरीके से अपना स्वान बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाता है, देखिए है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।